पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह और यातायात पुलिस की टीम ने की अनोखी पहल। पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालकों को दी समझाइश। डिंडोरी जिला मुख्यालय के कंपनी तिराहे में पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह एवं यातायात थाना प्रभारी सुभाष उइके और उनकी टीम ने मुख्य मार्ग में आवारा पशुओं को पकड़कर उनके सींगों में रेडियम पट्टी लगाया एवं समनापुर तिराहे में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह और यातायात पुलिस टीम ने टू व्हीलर चलाने वालों को रोककर समझाइश दी है। वहीं हेलमेट लगाकर वाहन चालकों को गुलाब फूल देकर तिलक लगाकर यातायात के नियमों की जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह ने ऐसे जरूरतमंद जो हेलमेट खरीद नहीं सकते जैसे मजदूर वर्ग के लोगों को निःशुल्क हेलमेट देते हुए हिदायत दी है कि वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनकर निकलें। वहीं पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह ने बताया कि बरसात का मौसम शुरू हो गई है। बरसात होने के कारण रात में सड़कों पर आवारा पशु घूमते रहते हैं। जब बारिश होती है तो वाहन चालकों को आवारा पशु दिखाई नहीं देते जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। पशुओं के सींगों में रेडियम पट्टी लगाने से वाहन चालकों को दूर से समझ आ जाएगा जिसके कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा और समनापुर तिराहे में वाहन चालकों को एवं नाबालिग वाहन चालक को समझाइश देते हुए नजर आए। वो प्लेट ऐसे नहीं बनता है अब किसी दुकान में, है ना। जहाँ से गाड़ी खरीदे हो वहीं जाना और वहीं से फिर ये नंबर नया बनेगा। मैं जब तक यहाँ हूँ गाड़ी लेके बिना लाइसेंस के निकलना मत, ठीक है। आज एसपी ने आपको दोनों को हेलमेट दिया है जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको हेलमेट पाके? क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, चालकों को, वहाँ चालकों को? हेलमेट लगा के चलना, अब लगा के आप चलेंगे जी सर। कैसा लग रहा है? कहाँ से हो? और आपके द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है रेडियम और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, हेलमेट भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, क्या? हाँ, ये एक छोटी सी पहल है। हेलमेट बहुत ज़्यादा नहीं है हम लोगों के पास में, लेकिन जो हमको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इतना पैसा नहीं होगा, बिना हेलमेट के घूम रहा है, तो उसको हम लोग हेलमेट दे रहे हैं। और ये मतलब एक तरह का है कि इससे थोड़ा लोगों में अवेयरनेस बढ़े। बाकी कार्रवाई तो हम लोग रोज़ ही करते हैं, बट कभी कभी ऐसा इस प्रकार के मोटिवेशनल भी पुलिस के द्वारा किया जाना चाहिए। और हमको शासन के भी निर्देश हैं कि गाय है इसको, मतलब गाय को लेके और ट्रैफिक को लेके, और जो गाय जो हाईवे पे बैठती है जिसमें एक्सीडेंट होता है, तो जो पशु है उसको भी काफ़ी नुकसान हो जाता है और गाड़ी को भी नुकसान होता है। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, तो इनको लेके पुलिस को कार्रवाई अच्छी करने का निर्देश है। तो उसी दौरान हम लोग इसमें रेडियम लगा रहे हैं ताकि रात को यदि गाय कहीं बैठी है अंधेरे में, बारिश हो रखी है, क्योंकि रोड लाइट नहीं रहती है, कई ऐसे रास्ते हैं अपने ज़िले में, तो वहाँ कुछ दिख जाए कि कोई जानवर है, तो उस जानवर का भी बचाव हो और जो गाड़ी चलाने वाला है उसका भी बचाव हो।